हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। तुम लोगों ने मैसेज कर करके परेशान कर दिया भाई, और फाइनली मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा। जरा कुछ बातों के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले की थी। एक बात तो आप सब लोगों के सामने बहुत क्लियर है कि हम लोग सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं बच्चे? हम लोग यहाँ पर सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था बच्चे कि तुम तैयार हो जाओ, ठीक है। सबसे मेन बात, सबसे बड़ा सवाल, नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है? क्या ये नोटिफिकेशन रियल है? क्या सच में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ गया है? क्या ऐसा रीजन है, मतलब कैसे ये नोटिफिकेशन बाहर आया और इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस होने की उम्मीद है? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग बड़ी बेसब्री से वेट करें, इसलिए मैं कुछ बातें आपके साथ करता हूं। पहली चीज तो ये है कि मैंने तुम लोगों को एग्जाम डेट बताई थी। मैंने तुम लोगों को यहां पर क्या बताई थी बच्चे? मैंने तुम लोगों को एग्जाम डेट बताई थी कि भाई अप्रैल 15, क्या कहा था मैंने? अप्रैल 15 से अप्रैल 23। तो कई लोगों ने तो मुझे चैलेंज कर दिया यहां पर, तो क्या है, कई लोगों ने तो क्या है मुझे यहां पर चैलेंज कर दिया कि ये सच्चाई है या झूठ है। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो यहां पर हो ही नहीं सकता, 18 को ये है, एनडीए बीच में अड़ जाएगा, ये अड़ जाएगा बीच में, वो अड़ जाएगा। मतलब लोगों ने बहुत अनसर्टेनिटी बना दी बच्चे, लोगों ने क्या यहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बना दी कि इज इट रियल और फेक। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे ही कह रहे हो, एनडीए आएगा एग्जाम बीच में, ये आएगा वो आएगा। देखो मैंने तो बेटा तुम्हें 15 से 23 कहा था, यहां तो 18 से 23 लिखा है। यहां तो क्या लिखा है बच्चे, यहां तो 18 से 23 लिखा है। सबसे पहले YouTube के ऊपर मैंने बच्चे तुम लोगों को कदम ताल के ऊपर बताया था, तुम लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, तुम लोगों ने खूब दबा के बच्चे मेरे साथ यहां पर खूब ऊट पटांग तुम लोगों ने कमेंट किए कि ये झूठ है, क्या बकवास है, लोगों को तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम बच्चों का करियर खराब कर रहे हो, अरे बाप रे बाप, क्या क्या तुम लोगों ने लिख दिया। लेकिन जो लोग मुझे रियलिटी में जानते हैं, वो लोग मेरे साथ पहले भी खड़े थे और वो लोग आज भी डिफेंस गुरुजी के साथ खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है अगर तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे तो बेटा यहां पे धोखा नहीं है। ध्यान रखना, यूट्यूब के ऊपर डिफेंस गुरुजी का मतलब है बच्चे सच्चाई। क्या बच्चे? सच्चाई। यहां पर धोखा आपको कभी भी नहीं मिलेगा बच्चे। पढ़ाऊंगा आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, सच्चाई की बात जब मैंने की तो वही मैं आप लोगों के साथ करूंगा। सच्चाई हर तरीके से बच्चे और हर जगह से मैं आप लोगों के साथ यहां पर खड़ा हूं। उसके लिए आपको यहां पर क्या है, चिंता करने की जरूरत बच्चे नहीं है। पहले मैंने तुमको कहा था, अब आगे फिर से तुम लोगों को मैं बोलता हूं कि सिर्फ फॉलो इस प्रकार से करते रहना, कभी लाइफ में क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। डिफेंस गुरुजी एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है बच्चे, ना तो मुझे व्यूज चाहिए, व्यूज की कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो लोग सही में मेरे साथ बच्चे यूनिफॉर्म की तैयारी करना चाहते हैं। जो लोग मेरे साथ क्या बच्चे सही में क्या है, जो लोग मेरे साथ यूनिफॉर्म की तैयारी करना चाहते हैं और जो लोग गांव से हैं और अपने मिशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो बच्चे डिफेंस गुरुजी को फॉलो करते रहना। मैथ का तुम्हारा क्लास चल रहा है, फिजिक्स का तुम्हारा क्लास चल रहा है, तुम्हारा इंग्लिश का क्लास चल रहा है। अभी हम लोग बच्चे यहां पर क्या शुरू कर देंगे, 10 तारीख के बाद बच्चे तुम लोगों को रागा मिलना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना बच्चे, जिस पैटर्न पर तुमको पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं तुम्हें फिर से रियलिटी दिखाऊंगा यहां पर भी, जब मैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी करूंगा तो बेटा जितना पढ़ा दिया उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। जो कराऊं बस साथ साथ करते रहना, गेम हम लोग खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में बच्चे कितनी यहां पर सच्चाई है। सबसे पहली बात तो ये बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्या बच्चे झोल है, कुछ ना कुछ क्या इसमें गड़बड़ घोटाला है, इसलिए इसको कंप्लीटली तुम सच्चाई मत मान के चलना। मैं बताऊंगा यहां पर क्या क्या समस्या है। अभी जो एयरफोर्स के दिमाग में चल रहा है कि एज का हम लोग क्या करें, एज रिलैक्सेशन के ऊपर हम लोग क्या करें, तो 15 जनवरी तक तुम्हारा ये डाउट भी क्या बच्चे दूर हो जाएगा, 15 जनवरी तक क्या बच्चे तुम्हारा दूर हो जाएगा। नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा बताने को खास नहीं है जो मैंने तुम लोगों को ना बताया हो, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे सामने, तुम्हें बस जानना था कि एग्जाम डेट कब आएगी। एग्जाम डेट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई थी बेटा, अप्रैल में होगा एग्जाम, उसके लिए तुम तैयारी करो। अभी कुछ टाइम रुको तुम, नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ यहां पर लेके आऊंगा, ठीक है ना। जितनी बातें मैं तुमको बताता हूं तो मान के चलना सच्चाई हमेशा आएगी, झूठ नहीं आएगी बच्चे। मैं झूठे व्यूज के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता हूं। अभी एज को लेके बच्चे दिमाग में कंसिडरेशन चल रहा है कि क्या होगा एज के लिए, हम लोग अभी क्या करें।
ठीक है, उसके ऊपर अभी कंसिडरेशन चल रहा है। जिस टाइम वो कंसिडरेशन पूरा हो जाएगा और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ जब शेयर करूंगा तो उसका तुम धमाल देखना, यूट्यूब पर फिर से बवाल होने वाला है। और हम लोग बवाल करके सिर्फ शांति कायम करेंगे, हम लोग दोबारा कभी क्या है बच्चे, रिप्लाई तुमको मैं इस बात के लिए कभी नहीं करूंगा, ध्यान रखना, नो रिप्लाई एट ऑल। सिर्फ फौज में जब भी आ रहे हो ना बच्चे, एक बात ध्यान रखना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना, कहने से कुछ नहीं होता बेटा, करने से होता है। डेट वेट कब आएगी इसको छोड़ दो। सबसे मेन बात तो क्या, रजिस्ट्रेशन देखो बच्चे 22 जनवरी शुरू है बच्चे, 22 जनवरी से क्या यहां पर शुरू हो रहा है, इतना पहले तुमको क्यों मिलेगा यार, सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से 3-4 दिन तुमको वेट करना चाहिए, 3-4 दिन में तुम्हारे सामने सब कुछ सच्चाई आ जाएगी। ये मैं भी तुम्हारे साथ बहुत पहले शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया बच्चे, क्योंकि ये थोड़ा सा इलीगल चीज है, इसको आप शेयर मार रहे हो तो वो खराब चीज है। काम की बात होगी उसके ऊपर हम लोग अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, जैसे मैंने तुम्हारे सामने रखा। इस बार तो तुम्हारा डीएफटी होगा, अगली बार डीएफटी भी ना हो, तुमने कहा रनिंग होगी, कदम ताल होगा। मैंने तो अब तक मैंने तुम्हें क्या आंसर नहीं किया, लेकिन मैंने अपने व्यू पॉइंट तुम्हारे सामने लिख दिए। आज का रिकॉर्ड टूट गया, 700 बच्चों के बच्चे मैसेज आए, 700 मैसेज सिर्फ इसी बात के लिए, क्या ये रियल है या फेक है। दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के छाप दिया, ऐसे है वैसे है, मैं बोलता हूं थोड़ा ठंडा रहो, थोड़ा शांत रहो, बहुत कुछ तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या है, एयरफोर्स के सामने एज का बड़ा लोचा है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए या फिर ना दिया जाए, वो पहली चीज है। हो सकता है तुमको एज रिलैक्सेशन ना मिले, क्या बच्चे हो सकता है यहां पर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिले, हो सकता तुमको यहां पर क्या बच्चे, हो सकता है तुम लोगों को भी यहां पर एज रिलैक्सेशन ना भी मिले, ऐसी भी संभावनाएं हैं और कुछ उम्मीदें हैं कि तुम लोगों को एक चांस दिया जाए। तो पहली बात तो एज के ऊपर आना बाकी है। दूसरी बात बच्चे, तुम्हारा जो एनडीए का कंसर्न था उसको लेकर भी क्या है, अभी थोड़े से बाजार गर्म है, थोड़ा सा तुम लोग शांति रखो, तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं तुमको बता दूंगा कि यहां पर क्या चीजें हैं। नोटिफिकेशन बच्चे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही पहले वाला नोटिफिकेशन, कुछ भी खास बदलाव नहीं। अगर तुमको कुछ खास अलग से बदलाव दिखते हो तो मुझे बताना जरूर भाई, आम तौर पर व्यूज के लिए तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे, मुझे यहां पर क्या है एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि व्यूज के लिए मैं तुम्हें कुछ गलत गाइड कर दूं। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के लिंक जरूर मिल जाएंगे, जहां पर मैंने बताया कि वाई ग्रुप का एग्जाम कैसे करना है, जहां पर मैंने तुमको बताया कि वाई ग्रुप का एग्जाम कैसे करना है तैयारी, एक्स का बच्चे कैसे करना है तैयारी। अभी इसको बच्चे आप लोग छोड़ दो, अभी क्या इसके ऊपर इसको लेके छोड़ दो, तुम्हें एग्जाम डेट पता करनी थी। मैंने मेरे अकॉर्डिंग बच्चे मिड अप्रैल में मैंने तुमको बताया था, मिड अप्रैल मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमको यहां बता रखा बच्चे इनरोलमेंट के बारे में 3 फेब से शुरू होगा, भी लिखवा लो, पहले भी कहा था अभी भी दोबारा कह रहा हूं, जो चीजें कंफर्म है वो तुम्हें कंफर्म मैं आपको मेरी तरफ से बता दूंगा। कुछ भी वहां पर क्या है बच्चे, चेंज होगा वो तुमको सबसे पहले डिफेंस गुरुजी बताएगा, बस एक ही तुम मेरी सपोर्ट कर दो, तुम्हें वर्दी तक लेके जाऊंगा बच्चे, तुम्हें वर्दी पहनाकर ही क्या मैं दम लूंगा, ना तो मुझे यहां पर मेरे बैच की कोई ऐड करनी है, रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पड़ती है, ना ही मुझे यूट्यूब पर फेमस होना है, बस मुझे आप उन लोगों तक पहुंचना जो सच में तैयारी कर रहे हैं, बस यही मेरा आप लोगों से लक्ष्य है। इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा खास नहीं था जिसको लेकर तुम एक्साइटेड हो, पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था इस जगह पर तुमको फेक न्यूज नहीं मिलेगी। रही बात बच्चे पीएसएल की, तो मैंने तुम्हें कहा था बच्चे 8 तारीख, मैंने तुम्हें कहा था 8 जनवरी, सोच के देखो यार ये 8 से 10 के बीच में मैंने क्यों कहा था, क्योंकि बच्चे 11 से तो यार फेज 2 भी तो शुरू है ना, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहां पर निपटा लें, हम लोग यहां पर क्या बच्चे सबसे पहले क्या हम लोग यहां पर निपटा लें इसको, कि फेज 2 स्टार्ट होने से पहले हम लोग यहां पर क्या है इस चीज को पीएसएल को यहां पर हम लोग डिक्लेयर कर दे। रही बात री मेडिकल की, तो कोई बात नहीं यार, पहले क्या तुम पीएसएल में सीवी वगैरह नहीं मिलता था क्या, मिलता था ना पहले, मिलता था नहीं मिलता था बच्चे, वो तुम्हारा दूर होता था यार, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों री मेडिकल के लिए पीएसएल नहीं आ सकती क्या, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, सारी चीज तुम्हारे सामने आएंगी। बाकी तुम लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो आएगा बच्चे 9 तारीख को, 9 जनवरी को हम बच्चे इवनिंग में वेट करेंगे, कुछ धमाल हम लोग यहां पर क्या है, हम लोग यहां पर इवनिंग में कुछ धमाल हम लोग मचाएंगे, और वो धमाल ऐसे रहेंगे बच्चे कि तुम लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो उन धमालों के लिए क्या है बच्चे, आपको 9 जनवरी इवनिंग में वेट करना पड़ेगा। लेट से हम लोग बच्चे 7 बजे का एक लाइव सेशन में तुम्हारे साथ रखता हूं,
क्या रखता हूं बच्चे यहां पर, 7 बजे का तुम लोगों के साथ मैं एक लाइव सेशन रखता हूं, 7 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी इस नोटिफिकेशन को लेके सीरियस नहीं होना, एग्जाम डेट तुम्हें पहले ही पता थी, एज के बारे में अभी बच्चे क्लियर नहीं हुआ है, जल्दी ही आपको इसके बारे में मिल जाएगी गाइडलाइंस, ठीक है। तो ज्यादा चिंता और सोच में नहीं घुसना है, सिर्फ अपनी तैयारी करो और इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक पहुंचाओ जहां तक पहुंचना चाहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जय हिंद।